आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तमाम व्यूवर्स और दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, और टॉप इन्फो चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए पीपीएससी के इम्तिहान के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉप इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जो आज का हमारा पहला सवाल है, डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी यरूशलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यरूशलम। यह इसराइल का दारुल हुकूमत है यरूशलम, डोम ऑफ रॉक इसमें वाक़या है। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है। ऑप्शन ए सीटल, ऑप्शन बी हार्वर्ड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 2 and 2-4 ऑप्शन ए मेक्स, ऑप्शन बी मेक, ऑप्शन सी मेड, ऑप्शन डी हैव मेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेक, 2 and 2 make 4। क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स अस सी विच वे द विंड्स डैश, ऑप्शन ए बिलो, ऑप्शन बी ब्लोज, ऑप्शन सी ब्लोइंग, ऑप्शन डी ब्ल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्लोज। लेट्स अस सी विच वे द विंड्स ब्लोज। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु विल डैश द कैट, ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी बेल्स, ऑप्शन सी बेलिंग, ऑप्शन डी बेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बेल, हु विल बेल द कैट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ही इज इग्नोरेंट डैश इज डीमेरिट्स, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑफ, ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज डीमेरिट्स, इसका प्रेपोजिशन का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अहमद एम्ड डैश द क्रो एंड फायर्ड, ऑप्शन ए ये भी प्रेपोजिशन है टू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एट, अहमद एम्ड एट द क्रो एंड फायर्ड। क्वेश्चन नंबर एट, आई प्रेफर बनाना डैश मैंगो, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन बी डी टू। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आई प्रेफर बनाना टू मैंगो। क्वेश्चन नंबर नाइन, पेरू इज अ कंट्री ऑफ डैश अमेरिका, ये अमेरिका की एक रियासत है पेरू। तो इसका ऑप्शन में है ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ, ऑप्शन डी साउथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी साउथ, पेरू इज़ अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का एक रियासत या मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, क्राकस इज़ द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी वेंजविलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेंजिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ विच इस्लामिक कंट्री, ऑप्शन ए इजिप्ट यानी कि मिस्र, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोरक्को, रबात मोरक्को का दारुल हुकूमत या कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, असारुल सनादीद वाज अ बुक बाय सर सैयद अबाउट, यह सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई एक किताब है असारुल सनादीद। तो ये किसके बारे में लिखी गई है, ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ड्राविंग टू एन एंड इन, यानी कि दूसरी जंग अजीम का अख्ताम कब हुआ था, ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1945 में दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार डैश वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, दूसरी जंग अजीम के दौरान कौन सा प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश था, मतलब ब्रिटिश कौन प्राइम मिनिस्टर था। ऑप्शन ए लॉर्ड व्योल, ऑप्शन बी साइमन,
ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी विंस्टन एस चर्चल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विंस्टन एस चर्चल। क्वेश्चन नंबर 15, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर डैश मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन में कुल कितने मेंबर शामिल हैं। ऑप्शन ए 182, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन डी 194। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 193। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 193 मालिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान वाज मर्डर्ड इन ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1951 में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बराक ओबामा वाज री इलेक्टेड एज US प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू डैश पार्टी। बराक ओबामा का तल्लक किस पार्टी से था। ऑप्शन ए रिपब्लिकन, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी लिबर्टेरियन, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा का ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 19, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए यूनिटी पाइपलाइन, ऑप्शन बी फ्यूचर पाइपलाइन, ऑप्शन सी पीस पाइपलाइन, ऑप्शन डी फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पीस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हना लेक इज लोकेटेड इन, हना लेक कहाँ पर वाक़ है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी केपीके। तो इसका करेक्ट आंसर है बलूचिस्तान, हना लेक बलूचिस्तान में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पंजाबी, पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जबान है। क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। ऑप्शन ए इंडियन ओशन, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन। दुनिया में पांच बड़े समंदर मौजूद हैं, इनकी तरतीब ये है। पैसा, पैसा में पांच अल्फाज हैं जो कि पांच समंदरों को इनकी तरतीब के लिहाज से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर पी, पैसा में पी सबसे पहले, तो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। दूसरा है अटलांटिक, जो जो इस एमसीक्यूज में है, ए से। आई से है इंडियन ओशन, तीसरा बड़ा समंदर, एस से साउथर्न ओशन, और ए से आर्कटिक ओशन जो ऑप्शन डी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पानी है वो ज़मीन का कितने फ़ीसद है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 85%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 75%। क्वेश्चन नंबर 24, द पेपर वी यूज़ इन फैक्स मशीन्स इज़ कॉल्ड, फैक्स मशीन में जो पेपर इस्तेमाल होता है इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लास पेपर, ऑप्शन बी स्टैम्प पेपर, ऑप्शन सी हर्बल पेपर, ऑप्शन डी थर्मल पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी थर्मल पेपर। फैक्स मशीन में जो पेपर इस्तेमाल होता है इसे हम थर्मल पेपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इन्वेंटेड बल्ब, बल्ब किसने ईजाद किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी फाइनली मॉरिस, ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एडिसन, एडिसन ने बल्ब ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 26, द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान इज, साउथ सूडान का दारुल हुकूमत का नाम बताना है। ऑप्शन ए किनशाशा, ऑप्शन बी रबात, ऑप्शन बी जुब्बा, ऑप्शन डी खार्टूम, खार्टूम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जुब्बा, जुब्बा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान। क्वेश्चन नंबर 27, पाकिस्तान बिकेम एन एटॉमिक पावर इन, पाकिस्तान एटमी ताकत किस साल में बना। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 200। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1998। क्वेश्चन नंबर 28,
इंडस वास ट्रीटी वास साइंड इन सिन तास मैदा कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1966। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1960, 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिन तास मुआहदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन डी सर आगा खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट की तारीख चलाई। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? इंडिया की तकसीम के वक्त इंडिया का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड व्योल, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया की तकसीम के वक्त इंडिया का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ हिंदूकश? हिंदूकश पहाड़ी सिलसिला है, इसकी बुलंद तरीन चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी तुरचमीर, ऑप्शन डी केटू। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी तुरचमीर, ये हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। क्वेश्चन नंबर 32, द टोटल लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है इसकी कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2282 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2225 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2252 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2522 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2252 किलोमीटर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है इसकी टोटल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 33, नॉन अलाइंड कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए OIC, ऑप्शन बी NAM, ऑप्शन सी NATO, ऑप्शन डी ECO। ये तमाम मुखफ़ हैं, तो इसके लिए जो मुखफ़ इस्तेमाल होता है वो है ऑप्शन बी NAM। क्वेश्चन नंबर 34, मोहब्बत खान मस्जिद इज़ सिचुएटेड इन? मोहब्बत खान मस्जिद कहाँ पर वाक़या है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पिशावर, ऑप्शन सी क्वेटा, ऑप्शन डी कराची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पिशावर। क्वेश्चन नंबर 35, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट? रोहतास फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में वाकया है? ऑप्शन ए चकवाल, ऑप्शन बी अटक, ऑप्शन सी जेलम, ऑप्शन डी रावलपिंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेलम, रोहतास फोर्ट जेलम में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 36, मेंबर्स ऑफ OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इन टोटल आर? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 57, टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में टोटल 57 ममालिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इज सिचुएटेड इन? यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो तंजीम है इसका सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इंतजामी सेंटर कहाँ पर वाकया है? ऑप्शन ए तहरान, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी जद्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी जद्दा, सऊदी अरब का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 38, डॉन न्यूज़पेपर स्टार्टेड पब्लिकेशन इन? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी ढाका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान बींग अलाउड टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो किस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान के शामिल होने की मुखालफत की थी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी स्वायत यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? EU जो है ये यूरोपियन यूनियन का मुखफ्फ है, तो इसमें कुल कितने मेंबरान शामिल हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 28, यानी कि यूरोपियन यूनियन में 28 ममालिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री इज़ द करंट फुटबॉल चैम्पियन? कौन सी जो मुल्क है, कौन सा मुल्क है वो फुटबॉल का मौजूदा चैम्पियन है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जर्मनी, जर्मनी जो इस वक्त है फुटबॉल का चैंपियन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच पास लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना बाय सिल्क रोड। कौन सा जो पास है पहाड़ी से पहाड़ियों के दरमियान में जो रास्ता से पास कहते हैं वो पाकिस्तान को सिल्क रोड के रास्ते चाइना से मिलाता है। ऑप्शन ए खैबर पास, ऑप्शन बी गोमल पास, ऑप्शन सी खंजराब पास, ऑप्शन डी टोची पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी खंजराब पास। ये पाकिस्तान को सिल्क रोड के जरिए चाइना के साथ मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 43। पॉपुलेशन वाइज विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी फैसलाबाद, ऑप्शन डी मुल्तान। तो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फैसलाबाद। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 44। मोस्टली ड्राई फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो खुशक फ्रूट होते हैं ड्राई फ्रूट्स वो पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा काश्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बलोचिस्तान, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी केपीके खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। पहला 5 साल मनसूबा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नेम ऑफ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का सबसे पहला कानून लिखा गया था उसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ऑप्शन बी मिसाके मदीना, ऑप्शन सी खुतबा हजतुल विदा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आयात जावेद रिटन बाई अल्ताफ सनाली इज़ ऑन द लाइफ ऑफ। ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी सादी शराजी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 48। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाई इट्स। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा होता है इसकी पहचान किस जरिए से होती है? ऑप्शन ए ईमेल एड्रेस, ऑप्शन बी स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन सी लॉगिन पासवर्ड, ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। एक कंप्यूटर की जो पहचान है वो आईपी एड्रेस से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49। विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। ऑप्शन ए तौहीद, ऑप्शन बी सलात, ऑप्शन सी ज़कात, ऑप्शन डी सोम रोज़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सलात। सलात इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाउंड इन USA। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये USA में वाक़ है? ऑप्शन ए माउंट मिकिनली, ऑप्शन बी डेथ वैली, ऑप्शन सी अपलोचेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तमाम जो है ऑप्शन ये यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉम्स फर्स्ट इन पीरियाडिक टेबल। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीजन पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन MS वर्ड। ऑप्शन ए डाउन कर्सर की, ऑप्शन बी इंटर की, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट इंटर की। क्वेश्चन नंबर 53। अ पीस ऑफ केक idiom means। ऑप्शन ए पार्ट ऑफ केक, ऑप्शन बी एन इजी टास्क, ऑप्शन सी सेलिब्रेट बर्थडे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन इजी टास्क। इसको इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच प्रॉफिट वाज टाइटल्ड एज ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह का लकब किस पैगंबर को दिया गया है? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहिम, ऑप्शन बी हज़रत इस्माइल, ऑप्शन सी हज़रत इसहाक, ऑप्शन डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के राह में कुर्बान या ज़बह करने किया था, तो इसलिए उनको ज़बीउल्लाह का लकब भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इन ह्यूमन विच बॉडी पार्ट डिवेलप फर्स्ट। ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लंग्स,
ऑप्शन डी किडनीज, तो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मैनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल में कुल कितने खाने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5, तो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4, इंसानी दिल में 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डैश इज़ नाउन फॉर सिटी ऑफ बाजार्स, ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी कायरो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कायरो, कायरो इज़ नाउन एज द सिटी ऑफ बाजार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन, कैद आज मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 निकात कब पेश किए, ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1929। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1973, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1956, क्योंकि 1956 में जो आईन नाफज किया गया था इसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला शहीद कौन था इनमें से, ऑप्शन ए हजरत कुबाब, ऑप्शन बी हजरत यासिर, ऑप्शन सी हजरत सुमैया, ऑप्शन डी हजरत जुबैर, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की पहली शहीद होने वाली खतून थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ही हेल्ड मी डैश माई नेक, ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बाय, ही हेल्ड मी बाय माई नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इन विच कंट्री गोडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान। गोडविन ऑस्टिन केटू को कहते हैं, केटू पाकिस्तान में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 63, मिरानी डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, मिरानी डैम किस सूबे में वाक़या है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी KPK खैबर पख्तूनख्वा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बलूचिस्तान, मिरानी डैम बलूचिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, क्लार्क ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लार्क ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन USA। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टुक कश्मीर डिस्प्यूट इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा मुल्क कश्मीर के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा में लेकर गया था, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिया, यानी कि भारत मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में पहले लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर 66, विच प्रॉफिट इज टाइटल एज अबुल बशर, किस पैगंबर को अबुल बशर का लकब दिया गया है, ऑप्शन ए हजरत याकूब, ऑप्शन बी हजरत दाऊद, ऑप्शन सी हजरत आदम, ऑप्शन डी हजरत यूसुफ, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द अमेरिकन पीपल फ्रॉम विच कंट्री, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बोन मैरो, रेड ब्लड सेल बोन मैरो में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अ वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी URL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये वेब पेज का एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट एग्जाल, जो दरख्त होते हैं ये रात के वक्त खारिज करते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन डी नाइट्रोजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज, यानी मिस्र का दारकूमत कौन सा है? ऑप्शन ए कायरो, ऑप्शन बी एडिन, ऑप्शन सी अमान, ऑप्शन डी रियाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कायरो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया इज़ द सिटी ऑफ, ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सायरिया, ऑप्शन डी इजिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इजिप्ट। ये भी एक इजिप्ट की ही सिटी है या शहर है अलेक्जेंड्रिया, और इसका दारुलकूमत है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ही कंप्लेंट डैश चेस्ट पेन एंड वेंट टू द डॉक्टर। ऑप्शन ए प्रेपोजिशन दुरुस्त लगानी है एट, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑफ, ही कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन एंड वेंट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ट्राउट लेक इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए कैनेडा, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी एंग्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, फियर ऑफ बाथिंग, जो नहाने का डर होता है इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी अबुलटोफोबिया, ऑप्शन सी एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अबुलटोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 76, वन फर्स्ट कैंसिस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1951 में पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77, नेम ऑफ द कवर ऑफ काबा इज, खाना काबा का जो गुलाफ है इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बुरदा, ऑप्शन बी किस्वा, ऑप्शन सी अल खतफ, ऑप्शन डी सजदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी किस्वा, खाना काबा के गुलाफ को किस्वा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, एनेक्शस मीन्स, ऑप्शन ए वरिड, ऑप्शन बी अफ्रेड, ऑप्शन सी डेंजरस, ऑप्शन डी कन्फ्यूज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वरिड, नेक्स्ट मैनी बेचैन और वरिड वरिड मैनी भी बेचैन और परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, नावल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय, वॉर एंड पीस जो नावल है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी टिटो, ऑप्शन सी शेली, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय ने नावल वॉर एंड पीस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, ऑप्शन ए अजबकिस्तान, ऑप्शन बी नाइजेरिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी मोरिटानिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोरिटानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी 1971 में बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की थी, इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 82, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कीपैड जो है कौन सा बटन प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F9। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी F5, पावर पॉइंट में F5 को प्रेस करने से स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब कायम किया गया था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1951। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, द फर्स्ट राउंड टॉप टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन डी लंदन, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35, तो इसका ऑप्शन में है 4175, ऑप्शन बी 1125, ऑप्शन सी 1225, ऑप्शन डी 1245। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1225, क्योंकि 35 को जब 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 1225 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, योम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन ए 6 सितंबर,
ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 28 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 28 मई को पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी एजेंसीज, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में टोटल 7 एजेंसीज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 88। द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ कर्बला टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम इन द, ऑप्शन ए 55 हिजरी, ऑप्शन बी 61 हिजरी, ऑप्शन सी 70 हिजरी, ऑप्शन डी 72 हिजरी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 61 हिजरी में कर्बला का वाक्य पेश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बुलिश, ऑप्शन बी बेरिश, ऑप्शन सी हॉट, ऑप्शन डी राइजिंग। आप तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इमाम गजाली वाज बॉर्न एंड डाइड इन विच सिटी ऑफ ईरान, इमाम गजाली एक ही शहर में पैदा हुए थे और उस शहर में उन्होंने वफात पाई थी, वो ईरान का शहर है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कोम, ऑप्शन बी तोस, ऑप्शन सी मशीद, ऑप्शन डी निशापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी तोस शहर है ईरान का, इसमें इमाम गजाली पैदा भी हुए थे और वफात भी पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए एलजी, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी पेट बॉग्स, ऑप्शन डी ग्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन ए एलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी फिबिफा, ऑप्शन डी निबुला। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फीमर। ये टांग की हड्डी होती है जो रान में मौजूद होती है और इंसानी जिसम की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल, तो इसका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रूसियो, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी लिनन। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ए इज़ माइंडफुल डैश हिज स्टेटस, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी ऑफ, ही इज़ माइंडफुल ऑफ हिज स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द फेमस किस्सा खवानी बाजार इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए क्वेटा, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हड़प्पा इज अ सिटी इन पंजाब अबाउट 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ, ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी नारवाल, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साहिवाल से 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट में हड़प्पा का शहर वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए हाग सिटी, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी जिनीवा, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए हाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। लेक ऑफ विटामिन सी काजेज, विटामिन सी की कमी से क्या बीमारी पैदा होती है? ऑप्शन ए सकरवी, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी टीथ डीके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से ब्लाइंडनेस पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अ स्मॉल टाउन इन सिंध कैटी बुंदर इज फेमस फॉर, ऑप्शन ए हिस्टोरिकल साइट, ऑप्शन बी गैस एंड ऑयल फील्ड, ऑप्शन सी फिश हार्बर, ऑप्शन डी मिलिट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिश हार्बर। क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। UPS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनिवर्सल प्रोडक्ट सपोर्ट, ऑप्शन सी अंडर पैनल स्टोरेज, ऑप्शन डी अनटर्पिटेबल पावर सप्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मोर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमी बेशी नज़र आए तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगी। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।